कृत। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र ओ पर उसकी एक जीवा क्यू आर 130 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है? 130 डिग्री का कोण बनाती है। क्यू और आर पर की स्पर्श रेखाएं बिंदु पी पर मिलती है, ठीक है, मिलती है कोण क्यू पी आर की माप बताइए। तो जो यह क्वेश्चन में कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पहले फिगर बना लेते हैं, तो क्वेश्चन को बनाने में हमें क्या होगी कि आसानी हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वृत्त के केंद्र ओ पर उसकी एक जीवा क्यू आर 130 डिग्री का कोण बनाती है। तो हम ले लेते हैं, एक वृत्त ले लेते हैं, इसकी एक क्या कर लिए, एक जीवा ले लिए, ठीक है, जीवा ले लिए। और यह जो जीवा है ना, इस पर कहाँ से, केंद्र ओ से, तो ये केंद्र ओ है, यहाँ से कह रहा है कि 130 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमने 130 डिग्री का क्या कर लिया है, कोण बना लिया है, किसके, क्यू आर, इसको मान लेते हैं क्यू, इस पॉइंट को मान लेते हैं आर। अब कह रहा है कि क्यू और आर पर की स्पर्श रेखाएं बिंदु पी पर मिलती है। देखिए तो यह क्या है कि एक स्पर्श रेखा है, यह एक स्पर्श रेखा है क्यू पर, और यह जो है आर पर एक स्पर्श रेखा है। अब इसको यह जो मिल जाती है ना जहाँ पर, वहाँ पर क्या बनता है, पी बिंदु बन जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कौन क्यू पी आर की माप बताइए, किसकी माप बताने के लिए कह रहा है, क्यू पी आर के, क्यू पी आर की माप बताने के लिए कह रहा है। तो हम क्या इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, देखिए दिया है कौन ओ क्यू आर प्लस कौन ओ आर क्यू बराबर 180 डिग्री। देखिए कैसे, देखिए कौन ओ क्यू आर, यह जो है ना इधर से इधर वाला जो कोण है, प्लस इधर वाला कोण ओ आर क्यू, ये वाला, देखिए एक बार इधर से कोण लेंगे ये वाला कोण, एक बार ये वाला कोण, ठीक है। तो ये कितना दिया हुआ है, बराबर 180 डिग्री, दो कोण को मिलाएंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना। इसीलिए कोण क्यू ओ आर बराबर, देखिए इसीलिए कितना दिया हुआ है, कोण क्यू ओ आर बराबर 130 डिग्री जो है वो दिया हुआ है प्रश्न के हिसाब से। अब क्या करें, चतुर्भुज ओ क्यू पी आर में देख लेते हैं, ओ क्यू पी आर में देख लेते हैं, किस में देख रहे हैं, ओ क्यू पी आर, इसमें देख लेते हैं। देखिए ध्यान से क्या करें कि कोण ओ प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर प्लस कोण पी बराबर 360 डिग्री होता है ना, चार कोणों को यदि हम मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगी। अब क्या कर लेते हैं, देखिए आप लोग ध्यान से, कोण ओ जो है वो कितना दिया हुआ है, 130 डिग्री दी हुई है, तो 130 डिग्री प्लस कोण क्यू 90 डिग्री है, प्लस कोण आर 90 डिग्री है, प्लस पी कोण जो है वो दिया नहीं है क्योंकि हमें यह जो है ज्ञात करने के लिए कह रहा है, बराबर 360 डिग्री ले लेंगे। अब यहाँ से देख लीजिए आप लोग, कोण पी यानी यह कोण पी जो है इसको इधर ही रहने देंगे और बाकी को जो जोड़ करके इस दूसरे बराबर के दूसरी साइड लेके आ देंगे, तो क्या जाएगा, पूरा टोटल कितना है, 360 डिग्री। अब माइनस देखिए, यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ है, 130 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, यदि हम तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 310 डिग्री हो जाएगी। तो 310 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा, कोण पी बराबर 50 डिग्री होगा, यानी कि 360 माइनस यदि हम 310 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगी ना। देखिए तो क्या जाएगा यहाँ से, अतः कोण क्यू पी आर बराबर 50 डिग्री, यही क्या हमारा आंसर है, कोण यह जो है ना, ये वाला कोण, ये कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया, क्यू पी आर, तो यह वाला कोण कितना आ गया, 50 डिग्री आ चुका है, यही क्या हमारा आंसर है।